खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसी ने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। हरित क्रांति के बाद दूसरी क्रांति अब कृषि विपणन में आ रही है। अब तक स्थानीय नीलामी होती थी जिसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं होती थी, किसानों को सही मूल्य भी नहीं मिलता था। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दे, सुविधा दे। भारत सरकार की ये नई सोची समझी पहल है जिसमें सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों एवं व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। ये भारत के किसानों के लिए नए बाजारों, नए आयामों, नई संभावनाओं एवं आय बढ़ाने के नए तरीकों का सृजन करेगा। भारत सरकार पेश करते हैं पहली बार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक क्रांतिकारी कदम, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये देश में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार ढांचे के रूप में पहचान बनाएगा जिससे विपणन दक्षता बढ़ेगी। इससे पूरे देश के भीतर कृषि उत्पादों का ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकरण होगा और ये वर्तमान कृषि विपणन प्रणाली की चुनौतियों को दूर करने में एक रेवोल्यूशनरी पहल है। अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार NEM कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है। इसमें किसान अपने उत्पादों को अपने नजदीकी बाजार में ऑनलाइन सूचीबद्ध करा सकते हैं और व्यापारी कहीं से भी अपनी बोली लगा सकते हैं। इसके माध्यम से किसानों को अपनी इच्छा अनुसार बाजार को चुनने में सक्षम बनाकर अधिक से अधिक व्यापारियों तक उनके उत्पादों को पहुंचाना है। इससे आय में खासी वृद्धि होगी तथा अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ व्यापार में पारदर्शिता भी आएगी। ये राष्ट्रीय बाजार एकीकरण IT की बदौलत संभव हुआ है। इसके लिए राज्यों से भी अनुरोध है कि वे 3 रिफॉर्म अपनाएं, जैसे परमिशन ऑफ ई ट्रेडिंग, सिंगल ट्रेडर लाइसेंस, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी। सिंगल ट्रेडर लाइसेंस, अब तक व्यापारियों को हर बाजार अथवा राज्यों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस सिंगल ट्रेडर लाइसेंस से अब उन्हें सिर्फ एक बार लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी जिससे वो पूरे राज्य में अपना व्यापार कर पाएंगे। ये एक पहला कदम है जिससे यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट अंततः पूरे देश में लागू हो सकेगा। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी, व्यापारियों को अब तक हर मंडी में अलग अलग शुल्क देना पड़ता है, लेकिन ई नाम से अब केवल एक ही बार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और इससे दामों की वृद्धि पर अंकुश लगाने में सहयोग मिलेगा। प्रारंभ में NEM के अंतर्गत 8 राज्यों के भीतर 25 उत्पादों एवं 21 बाजारों को शामिल किया जाएगा और बहुत जल्द पूरे देश में 585 बाजार इसमें शामिल होंगे। यही नहीं, यदि किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल रही है तो अगले दिन वो फिर से ऑनलाइन बोली में भाग ले सकते हैं। बेहतर दाम और बैंक खाते में तुरंत भुगतान से किसानों का सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा राज्यों को लैब सुविधा भी किसानों एवं व्यापारियों के लिए मुहैया करानी होगी ताकि बोली लगाने वाला उत्पाद की गुणवत्ता की विस्तृत जानकारी पा सके। इसके लिए भारत सरकार लैब सुविधा खोलने के लिए राज्यों को प्रति मंडी 30 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है। इन लैब टेस्ट से फसल की सही गुणवत्ता और सही दाम निर्धारित होंगे। सचमुच ये ई नाम किसानों के लिए एक पुरस्कार स्वरूप है जो हमारे किसानों द्वारा मेहनत एवं पसीने से उगाई गई फसल को राष्ट्रीय कृषि बाजार तक पहुंचाता है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है जो भविष्य में भारत के किसानों और कृषि को अधिक समृद्ध बनाएगा।